मुख्यमंत्री इस आवास से निकलेंगे, अपने आवास से निकलेंगे और सामने राजभवन जा सकते हैं। राजद के दिल की धड़कन बढ़ रही है कि नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे, क्या हमारी सरकार को गिरा देंगे और अपना इस्तीफा जो है वो सौंप सकते हैं। कुछ भी हो सकता है बिहार की राजनीति में। कहा है कि नीतीश कुमार फिर से ये फैसला लेंगे जो फैसला उन्होंने 9 अगस्त को लिया था। एक खबर ये भी है कि सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो देखिए, अब से कुछ समय बाद बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री आवास में हलचल जो है वो तेज हो चुकी है और जेडीयू के तमाम नेता जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, बातचीत हो रही है और कभी भी कुछ भी हो सकता है बिहार की राजनीति में। तो देखिए किस तरीके से गतिविधियाँ जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। यहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री आवास पर गतिविधियाँ तेज हो गई हैं तो वहीं दूसरी तरफ राबड़ी आवास पर भी गतिविधियाँ जो हैं वो बढ़ने लगी हैं और अब कहा जा रहा है कि कभी भी मुख्यमंत्री इस आवास से निकलेंगे, अपने आवास से निकलेंगे और सामने राजभवन जा सकते हैं और अपना इस्तीफा जो है वो सौंप सकते हैं। कुछ भी हो सकता है बिहार की राजनीति में। गतिविधियां जो हैं जिस तरीके से बढ़ी हुई है वो अब बता रहा है कि नीतीश कुमार फिर से ये फैसला लेंगे जो फैसला उन्होंने 9 अगस्त को लिया था, 9 अगस्त 2022 को जिस तरीके से उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, वही फैसला नीतीश कुमार अब से कुछ समय बाद ले सकते हैं। देखिए किस तरीके जस जस शाम ढल रही है, समझिए कि बिहार के लोगों की दिल की धड़कन बढ़ रही है कि नीतीश कुमार की अगली रणनीति क्या होगी। राजद के दिल की धड़कन बढ़ रही है कि नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे, क्या हमारी सरकार को गिरा देंगे। देखिए किस तरीके से मीडिया का जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है और अंदर तमाम मंत्री जो नीतीश कुमार के आसपास रहते हैं वो मौजूद हैं। ललन सिंह मौजूद हैं, संजय झा यहाँ मौजूद है, विजय चौधरी मौजूद हैं और अब एक खबर ये भी है कि सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और उस फ्लाइट में केसी त्यागी भी मौजूद थे। तो देखिए कुछ भी हो सकता है बिहार की राजनीति में, हलचल तेज है और नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। जहां एक तरफ लगातार ये बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार कभी भी सरकार गिरा सकते हैं और अब बातें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार वाकई में ये रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से सरकार गिराया जाए ताकि कोई भी कुछ ना बोल सके और कोई भी कुछ ना कर सके। देखिए किस तरीके से गाड़ियों का आवागमन जो है वो जारी है, लगातार गाड़ियाँ जो है वो अंदर से आ रही हैं, फिर बाहर से जो गाड़ियाँ हैं वो अंदर जा रही हैं और मीडिया की कैमरे जो है वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ है कि कुछ भी हो सकता है, नीतीश कुमार कभी भी वहाँ से निकल सकते हैं और राजभवन जाकर राज्यपाल से वो मुलाकात कर सकते हैं। अब से कुछ देर पहले भी कुछ दिन पहले वो गए थे राज्यपाल से मिलने, लेकिन कहा गया कि जो नियुक्ति के लिए वो गए थे, कुलपति की नियुक्ति के लिए उस समय नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक नई रणनीति बना रहे हैं कि वो कभी भी राजभवन जा सकते हैं, राज्यपाल से मिल सकते हैं और अपना इस्तीफा जो है वो सौंप सकते हैं और इस सरकार को गिराकर फिर से एनडीए की सरकार बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे गाजे बाजे के साथ तैयार है कि कभी भी नीतीश कुमार आएँ और हम उनका स्वागत करें। तो याद करिए 9 अगस्त 2022 को इसी जगह पर तमाम महागठबंधन के नेताओं का जुटान हुआ था और उस समय सबने ये कहा था कि हम अब बिहार को बदलेंगे। लेकिन अब आप देखिएगा कि इसी जगह पर आप ये भी देखिएगा कि राज्य भवन नीतीश कुमार यहाँ से निकलेंगे और तमाम एनडीए के जो सदस्य हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे और कहेंगे कि अब हम बिहार के भले के लिए काम करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।